अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पढ़ने जा रहे हैं हम हरपियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज इसका है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स आर मेटीरियल्सटेंस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूसड बाई फार्मर्स और हर्डोर्स दीज आर देन प्रोसेसड टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूसड बाई फार्मर्स रॉ मेटीरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ तो रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हमें नेचुरली अवेलेबल होंगे इन अ रॉ फॉर्म तो उनको फिर प्रोसेस करके फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ में हम उससे जो फिनिश गुड़ हमें चाहिए होता है वो फाइनली ऑब्टेन करते हैं तो ये भी रॉ मटेरियल्स फार्मर से परचेज़ करते थे या इनको नेचुरली मिल जाते थे यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दी गई है कॉटन की ये रॉ कॉटन लाते थे फार्मर्स से उनको फिर घर में प्रोसेस करके या वर्कशॉप में प्रोसेस करके उसे फाइन क्लॉथ बनाते थे वाइल सम ऑफ द रॉ दैट मेटीरियल दैरद हरापर जूजरवे अवेलेबल लोकली मनी आइटम्स एज कॉपर टिन गोल्ड सिल्वर एंड प्लेश स्टोन हैज़ टू बी ब्रैड फ्राम डिस्टरेंट प्लेस मैक्सिमम जो रॉ मेटीरियल्स होते थे दे वर अवेलेबल लोकली लेकिन कुछ ऐसे रॉ मटीरियल होते थे मेटल्स होते थे जो इनको कहीं दूर दूर से लाने पड़ते थे द हरपियन इज प्रॉबर्जी गॉड कॉपर फ्राम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्राम ओमान तो जो कॉपर इनको तामा जो मिलता था हरपियन्स को हरपन्स को वो प्रेजेंट डे राजस्थान से ही लाते थे या दूसरी कंट्री एक ओमान है तो वहाँ से ही परचेज करके लाते थे टीन विच वॉज मिक्सड विद कापर प्रोड्यूस ब्रोज मेह इन ब्रॉट फ्राम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान गोल्ड कोड हैव ऑल द वे फ्राम प्रेजेंट कर्नाटका एंड प्रोसेस टोन्स फ्राम प्रेजेंट गुजरात ईरान एंड अफ़गानिस्तान ऐसे ही ब्रोज था या गोल्ड था या बाकी टिन वगैरह था ये इनको बाकी स्टेट्स या बाकी कंट्री से, से परचेज करना पड़ता था अब फूड पड़ेंगे फूड वो कौन सा फूड कंज्यूम करते थे वाइल मनी पीपल लिव इन सिटीज़ अदर लिव इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर एनिमल्स बहुत सारे लोग जो स्टीज़ में रहते थे वो अपना फूड खुद ही क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे फील्ड्स में या एनिमल्स को रियर करते थे दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट एंड रूल्स इंडस्ट्रीज जो इससे पहले अपने पढ़ा के कुछ लोग रूलर्स हो होते थे या स्क्राइब्स होते जो जो पढ़ाई लिखाई का आ, काम करते थे या क्राफ्ट पर्सन होते थे तो इनका एक तो अपने लिए फूड रियर करते थे न, या ग्रो करते थे ग्रो करते थे दूसरा जो बच जाता था वो इनको सप्लाई करते थे वी नो फ्राम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एट हरापियंस ग्रेव वीट बर्ली पर्सेस पीज रॉइसम लिंसिड एंड मास्टर्ड तो ये सारे टाइप्स के फूड वो अपने फील्ड्स में ग्रो करते हैं जिसमें वीट आता है बर्ली आता है पालसिस दालें वगैरह पीज मटर चावल वगैरह ये सब वो अपने फील्ड्स में ग्रो करते थे ए न्यू टूल द प्लग वॉज यूज टू द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉयल एंड प्लांटिंग सीड्स वायल वायल्ड रियल प्लग्स स्वायर प्रोबर्ली मेड ऑफ वुड व नॉट सर्वैवर्ड टॉय मॉडल्स बीन फाउंड एज अ रीजन डज नॉटी सम्म इगेशन हैीन्स डेट वाट वप्लाइड द फील्ड वैन द प्लान आर आर ग्रोइंग तो ये अपने जो जमीन थी उसको खोदने के लिए प्लग का इस्तेमाल करते थे तो ये मेल वुड का बना होता था तो बहुत टाइम हो गया हर पे सिविलाइजेशन ख़त्म हुए तो वुड जो था वो डिटोरेट हुआ होगा तो इसलिए हमारे पास उसके रिमेन्स अवेलेबल नहीं है हाँ कहीं पर टॉय मॉडल्स अवेलेबल हमें जो टेरा टॉयज़ अपने पढ़ा था वो मॉडल्स हमें अवेलेबल हुए तो उसे पता चला कि यह अपनी ज़मीन खोदते थे प्लग से ऐसे ही वहाँ पे ज़्यादातर बारिश नहीं होती थी तो वो अपना आ, इरिगेशन के लिए जो वाटर था वो स्टोर रखते थे और उसके बाद वो अपने फील्ड्स वगैरह को उसी से इरिगेट करते थे दराबेन रिटर्ट कैटल शीप कोट एंडलो वाटर एंड पास्टर्स वेर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स हाउर इन ड्राई समर मंथस लार्ज ऑफ एनिमल्स टू टू ट्रेक इन इन ग्रेटर डिस्टेंस सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर दे आर सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बर् काट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटिलोप तो ये क्या करते थे कौन कौन से एनिमल्स रियर करते थे शीप आता है उसमें गोट आता है बकरी बेड़ या बफल भैंसे तो जहाँ ये इनकी सेटलमेंट होती थी वहां उनके इर्द गिर्द पानी पाया गया या पास्टर्स पाए गए बड़े घास के मैदान पाए गए ताकि वहाँ पे इनके एनिमल्स को ग्रास की और वाटर की अवेलेबिलिटी रहे तो और कई जब वाटर स्केर्सिटी होती थी तो अपने एनिमल्स को दूर इलाकों पर ले जाते थे ताकि वहाँ पे उनको इजीली ग्रास और वाटर अवेलेबल हो दूसरा ये फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे या दसो काट फिश मछली पकड़ते थे या वाइल्ड एनिमल्स को भी हॉन्ट करते थे जैसे एंटलो डियर का एक कस्म होता है ये सारा ये इनके फूड में आता है ओके अलहमद्ला